ऑस्ट्रेलिया में वो जमीन महंगी है जो जंगल में है, जहां आदमी शांति से रह ले, जहां रोड पे ट्रकों का ची चा पू पा इस किस्म की, तो वो जमीन जो रोड पे है उसके मुकाबले वो 10 गुना महंगी। लोग ऐसी जगहों के लिए तरसते हैं कि उनको शांति की जगह मिल जाए। और हमारे देश में कौन सी जगह महंगी है, जहां पर रोड के ऊपर खच्चम खच्चा, ट्रैफिक, घुसने की जगह नहीं, पी पा पूरे कहां पर मेन रोड में दुकान, तो उसकी मेन रोड की लड़ाई है, सारी की सारी लड़ाई जो है वो मेन रोड पे है। तो उल्टा है थोड़ा सा। अब उस मेन रोड की चाहत में बहुत लोग क्या करते हैं, वो रोड के ऊपर मकान बनाते हैं, और साहब हमारा तो मेन रोड पे मकान है, रोड के ऊपर से ट्रक वरक निकलते हैं, किस दिन एक रड़क है ना, तो जिस दिन उसने मकान बनाया उसी दिन उसने अपने लिए थ्रेट को इनवाइट कर लिया, मुसीबत को इनवाइट कर लिया। अब किस दिन रोड पे चलते हुए बहुत सारे आपको एग्जांपल दिखेंगे कि रोड पे चलते हुए जो है ना वो सड़क पे किसी का एक्सल वैक्सल टूटा ट्रक का, और उसकी दिशा मुड़ के उसके सीधा घर में घुस गया और सबको ले डूबा। तो ये थ्रेट तो भाई उसी दिन आ गई थी जिस दिन रोड पे चढ़ के अतिक्रमण करके सड़क के ऊपर आगे बैठा था। तो सड़क के ऊपर बैठेगा तो कोई ना कोई राह चलता तो चढ़ेगा ही चढ़ेगा ऊपर, तो इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये तो तभी पता होना चाहिए था जिस दिन मकान बनाया, राइट। थ्रेट किस रूप में कब कहां पर आती है, इसलिए इस बिजनेस को थोड़ा सा फ्यूचर का बिजनेस बोला जाता है, यानी कि जिसको अपने अगले 20 साल देखने आगे। अच्छा, ये बात मैं क्यों कर रहा हूं, इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जो डर नाम की चीज है ना, जो थ्रेट, जो खतरा, अगर आदमी को खतरे का आभास हो जाए तो ये अपने आप में इतनी बड़ी ताकत होती है कि आदमी से इतना काम करा देती है कि वो सारे डरों के पार निकल जाता है, राइट। तो हर देश आगे से आगे इन्वेंशन, आगे से आगे ट्रेड, आगे से आगे रिसर्च, आगे से आगे सब क्यों करते हैं, राइट, क्योंकि उनको आने वाला जो कल है, अभी इलेक्ट्रिक गाड़ियां जो है, जिस बोल रहे हैं कि अभी इलेक्ट्रिक गाड़ियों सरकार सारी सब्सिडी दे रही है, प्रोत्साहन दे रही है इलेक्ट्रिक गाड़ियां, बैटरी, इनके सब के लिए, कि अगले 2 साल में 5 साल में डीजल वालों को बैन कर देंगे। क्यों लेके आ रहे, क्योंकि थ्रेट सामने खड़ी, मुसीबत बिल्कुल सामने आके सिर के ऊपर खड़ी हुई है, क्योंकि जो फॉसिल फ्यूल्स है, जो जमीन से जो निकलने वाला जो फ्यूल है, ये अगले 5-7 साल में खत्म हो जाएगा, और खत्म ही होगा तो इतना महंगा हो जाएगा छोटे से कि लोगों का जीना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए रिन्यूएबल एनर्जी, यानी कि जो सोलर या जो प्राकृतिक रूप से एनर्जी जो अवेलेबल होगी, जो जिस देश ने उसको अडॉप्ट कर लिया, वो तरीके से अपने लोगों को बचा पाएगा, जिंदा रह पाएगा। इसका सीधा सा मतलब ये है, यानी कि जो आने वाली मुसीबत है उसको समय से पहले भांपना, उसके हिसाब से अपनी दिनचर्या या अपने एक्शंस या अपना काम या अपना शेड्यूल या अपना मैनेजमेंट या अपना टाइम मैनेजमेंट या आपका मनी मैनेजमेंट, उन सब चीजों को उसके हिसाब से चेंज करना, ये निहायत जरूरी है। तो आप जहां पर भी देखेंगे आपको इसी किस्म के एग्जाम्पल मिलेंगे। अब आप देखोगे बहुत सारे जो साइंटिस्ट वगैरह है, जितने भी लोग दुनिया में साइंटिस्ट हुए, आप देखोगे कि उसमें से 90% जो है ना, वो कोई एक आध आदमी होगा जो क्लीन सेव मिलेगा, तकरीबन सबकी लंबी लंबी दाढ़ियां मिलेगी। उसका पर्पज क्या है, उसका पर्पज इतना सा है क्योंकि वो जो रिसर्च करना चाह रहा है उसको मालूम है अगर ये काम मैंने कर लिया तो दुनिया में अभी तक किसी ने नहीं किया तो मैं करूंगा, वो उसका टारगेट है। और ये मैंने कर लिया तो दुनिया को एक बहुत बड़ा इन्वेंशन मिल जाएगा, भाई मेरे को तो जो मिलेगा मिलेगा, सबसे पहले किया नोबल मिलेगा, ये मिलेगा, या जो कंपनी है जो उसको फंड कर रही है कि भाई आप ये रिसर्च करके ऐसा कुछ दे दो जो ताकि ये कंपनी जो दिन दुनी रात चौगनी उन्नति करे, तो लगा हुआ, चाहे वो अपनी सैलरी के लिए हो, चाहे वो आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के लिए हो। और इस पूरे प्रोसेस में वो उनकी लंबी लंबी दाढ़ियां क्यों आती, क्योंकि वो अपना टाइम बचाते हैं। बोला दाढ़ी के ऊपर जो एक घंटा बर्बाद होता है ना, साली इस टाइम को बचाओ, उसके पीछे लॉजिक ही है, उसके पीछे कोई वो नहीं है कि उनको जो शौक है। आप देखो ना, पूरी दुनिया के साइंटिस्टों को उठाना, 90% अपना टाइम, मतलब आप सोच के देखो कि कितना कितना कहां का टाइम बचाते हैं। और जितने भी साइंटिस्ट रहे हैं आप देखोगे 90% की बीवियां छोड़ के भागी, मतलब ये भी क्योंकि थ्रेट्स, तो जब आप 24 घंटे अपनी लैब में डूबे हुए हो और पत्नी बोले कि मेरे को टाइम नहीं दे रहे, आप तो अपने एक्सपेरिमेंट में घुसे हुए हो, तो बीवी तो छोड़ के वैसे भाग जाएगी, तो वो थ्रेट ऑटोमेटिक है ना। अब जिस साइंटिस्ट ने थोड़ी सी बैलेंसिंग बना ली, थोड़ा सा टाइम वहां भी निकाल लिया, वो ठीक ठाक निकल गया,
राइट, दुनिया को तो इन्वेंशन दे गया, लेकिन दूसरी तरफ बेचारा अपने घर से हार गया। सो जो भी हम कर्म करते हैं तो उसके साथ में दोनों चीजें जुड़ी होती है, राइट। तो अब हम जो भी काम करते हैं उसमें जब हम इन थ्रेट्स को, अगर जो है जो आने वाले खतरे हैं इनको अगर एडवांस में भांप लेते हैं कि मैं आज का जो मेरा कर्म है ये मेरे को कौन से रास्ते पे लेके चला जाएगा, ये जानना वो जरूरी। आदमी जिस दिन पहला कदम उठाता है तो उसको मालूम होता है कि भाई मैं किस दिशा में बढ़ रहा हूं। नहीं मालूम है तो पूरा वेल कैलकुलेट करके इन सब चीजों को, तो कॉमन सेंस के मसले हैं ये, मतलब कोई इंटेलिजेंट होने की बात नहीं है, ये सारे के सारे कॉमन सेंस के मसले। तो उसी किस्म की मुसीबतें या उसी किस्म की थ्रेट जब जिस टीम के अंदर तीन आदमी आपस में झगड़ा करना शुरू कर देंगे तो भाई साहब थ्रेट तो अपने आप आ जाएगी बिजनेस डाउन होने की। ये कोई मतलब नया मंत्र नहीं है, मतलब बिल्कुल जिस घर में जिस बाप के चार बेटे हैं वो आपस में जिस दिन लड़ना शुरू कर देंगे तो उस घर की जो बर्बादी है वो तो अपने आप ही आ जाएगी, उसको किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है, राइट, दैट विल कम ऑटोमेटिकली। इसलिए मैंने आपको बोला, और जब आप खुद की बात करते हैं तो इसलिए मैंने बोला अवतार फिल्म देखो राजेश खन्ना वाली और बागबान देखो अमिताभ बच्चन वाली। तो जो थ्रेट्स ओल्ड एज में जाके आती है, जवानी में थ्रेट आ जाए तो किसी तरीके से आदमी बच भी सकता है, संभल भी सकता है, लेकिन जब बुढ़ापे में थ्रेट आती ना, अब बुढ़ापे की जब थ्रेट की हम बात करते हैं तो मेरे ख्याल से हर बड़े शहर में आप देखोगे कई लोग ऐसे मिलेंगे जो यू नो 65 साल के, 70 साल के, 75 साल के, बिल्कुल मरने वाला है, लेकिन सब्जी मंडी में कहीं पर बहुत सारी लेडीज भी आपको मिल जाएंगी जो सिर्फ अपना पेट पालने के लिए वहां पर 2 किलो टमाटर, 5 किलो भिंडी, 10 किलो ये लेके बैठी हुई है और अपनी रोटियों का जुगाड़ कर रही है। कितनी उम्र में? 80 साल, 85 साल में। देखो काम करना अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ इसलिए काम करना कि शाम की रोटी मिल जाए, इसका मतलब जो थ्रेट आने वाली थी उसको समझा ही नहीं, है ना। मतलब उससे पहले, उसके 20 साल पहले कुछ गलत फैसले हो चुके हैं जिसका नतीजा उसको आज भुगतना पड़ रहा है। ऐसे आपको बहुत मिल जाएंगे, पंजाब में भी बहुत मिल जाएंगे, राइट। बहुत सारे जो है अवतार और बागबान वहां पे पंजाब में घर घर में बैठे मिलेंगे जिनके बच्चे यूके या कनाडा उड़ चुके हैं और अपना हिस्सा पहले ही लेके गायब हो चुके हैं, है ना। 10 बीघा या 10 किले जो खेत के थे, तो 2-3 भाई थे, दोनों ने अपने अपना 2-2, 3-3 एकड़ बिकवाया, अपने पैसे लिए, उस पैसे से वीजा लगवाया और कनाडा पार हो गया, राइट। तो अपना हिस्सा तो पहले लेके जा चुका, उसको मालूम है तेरा कोई हिस्सा तो बचा नहीं है। तो माँ बाप बेचारे अकेले गांव में वो बैठे हुए और वो अवतार या बागबार बन चुके बेचारे, राइट। तो ऐसी स्थितियां कल को, क्योंकि हम सबको उस दौर से निकलना है, हम जो है कभी जो है वो पैदा भी हुए थे, कभी 10 साल के भी हुए थे, कभी 20 साल के भी हुए थे, कभी 30 के भी हुए थे, कभी 40 के भी होंगे, 50 के भी होंगे, 60 के भी होंगे, 70। तो वो हर आदमी को उस फेज से निकलना है। तो इसलिए इस नेटवर्क को समझना, इसकी गहराई को समझना, इसको सिर्फ ज्वाइन करके बैठे रहना, तो ज्वाइन करते ही जितना ताबड़तोड़ तरीके से, यानी कि अगर स्कूल में एडमिशन लिया है तो जो भी कुछ करने का मादा है वो 20 साल से पहले पहले करने का, क्योंकि 70 में जाके अगर स्कूल पास भी कर लिया तो कोई मतलब थोड़ी है उस बात का यार, राइट, नो मीन टू इट, राइट। तो वो किसी मतलब काम भी नहीं आने वाला फिर। इसलिए जो ही आरसीएम बिजनेस में आते हैं तो ताबड़तोड़ इतना काम कीजिए, इतना काम कीजिए। क्यों काम कीजिए? वो इसलिए कीजिए क्योंकि थ्रेट आने वाली है। थ्रेट क्या आने वाली है? जो एनर्जी, बॉडी माइंड एंड सोल, जो शरीर 25 साल में 20 साल में काम करेगा, दिमाग और शरीर दोनों काम करेंगे, यानी कि शरीर में एनर्जी है और ब्रेन में नॉलेज है, तो दोनों का तालमेल या सिंक्रोनाइजेशन बढ़िया होता है और ये सिलसिला अच्छा भला चलता है 40-45 तक। 40-45 में थोड़ा थोड़ा शरीर जवाब देना शुरू करेगा, दिमाग बेशक चलेगा लेकिन शरीर जवाब देना शुरू करेगा, राइट। अब कोई अपने आप को फिट रखे हुए है, अपने शरीर पे भी बराबर काम कर रहा है, तो भाई साहब 55 में भी काम कर लेगा, राइट। लेकिन अगर उसके जो बच्चे हैं वो 35 के हो गए और अभी तक कोई कमाना शुरू नहीं किया, कहीं पर कोई अच्छा प्लेसमेंट या पढ़ लिख के जिनका नौकरी करने का है नौकरी, या जिनका बिजनेस करने का बिजनेस, वो उसमें स्टेब्लिश नहीं हुए और अभी तक बाप की खा रहे हैं,
राइट, शादियां भी होगी और उनके दो दो बच्चे भी होंगे, और उन्होंने अभी तक अगर मान लो अपनी जिम्मेदारी नहीं उठाई है, तो सोचो वो जो बाप जो जिसको 55-60 साल में 65 साल में काम करना पड़ रहा है सिर्फ इसलिए कि बच्चे अभी अपना काम बच्चों ने नहीं संभाला है, तो सोचो क्या बीतती होगी। सोच के देखिए आप एक बार, ये बहुत खतरनाक चीज है, छोटी चीज नहीं। सो दुनिया में हर माँ बाप चाहता है कि औलाद फटाफट 20-22-25 की हो, अपना अपना काम संभाले और अपने पैरों पर खड़े हो। इसलिए तो गांव में देहात में बड़े बुजुर्ग जो है वो यही तभी तो बोलते हैं कि अभी बच्चों की शादी होगी, अपने अपने काम लग गए, अपने अपने काम लग गए, अपना अपना कमा रहे हैं, अब तो एकदम में फ्री हूं। लेकिन अगर वो अपने अपने काम नहीं लगे तो भाई साहब वो तो फ्री है ही नहीं ना यार। तो इस बिजनेस में लोगों को हम इंडिपेंडेंट बनाने के बिजनेस में हैं, लोगों को आजाद बनाने के बिजनेस में हैं, लोगों को अपने पैरों पे खड़ा करने के बिजनेस में हैं, लोगों की इस तरीके से मदद करने के बिजनेस में हैं, लोगों को रोटी तोड़ के मुंह में डालने के बिजनेस में नहीं है हम। इस कहानी को समझ लीजिए, जो माँ बाप अपने बच्चों से बहुत ज्यादा लाड प्यार करता है, 24 घंटे उसको गोद में रखता है, उसको नहीं मालूम वो कौन सी मुसीबत को इनवाइट करने वाला है। मुसीबत ये होने वाली है, वो 35 साल का शादी भी हो जाएगी तब भी मम्मी को बोलेगा मम्मी खाना खिला दो, राइट, तो ऑटोमेटिक उस हिसाब से ढल जाता है। इसलिए समय के हिसाब से आने वाली मुसीबतों को पहचानना, इसलिए मैंने बोला कि आरसीएम बिजनेस जो है वो सॉल्यूशंस का बिजनेस है। आप सामान नहीं बेचते इस बिजनेस में, आप समाधान बेचते हो। तो अब जो थ्रेट है तो उसका समाधान भी होगा। एक और घटनाक्रम बताता हूं आपको। इसलिए जो डर है ना, मैं बोल रहा हूं कि डर में अपने आप में बहुत बड़ी ताकत है। जिस आदमी को जिंदगी में जो बोलता है मैं तो दौड़ ही नहीं सकता, सारे जामत लग लिए, सारे हनुमान जी लग लिए, सब ने बता दिया कि नहीं भाई तू आदमी है तो कम से कम 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ सकता है, कि नहीं मैं तो दौड़ ही नहीं सकता, उसके पीछे काले कुत्ते छोड़ दो रात के अंधेरे में, अब देखो कैसे दौड़ता है, राइट। तो डर में ताकत है। तो जिस दिन हमारे पीछे डर की तलवार लटकेगी ना, तो हम सब की स्पीड भी कई गुना ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी, बशर्ते आदमी उस बात को समझ ले। अब चाहे वो कारोबार है, कारोबार के ऊपर भी लागू। मेरे को अच्छी तरह याद है कि 1996 मैं जयपुर में, अब आप सबको मालूम 1996 में तो मेरा जो कंप्यूटर का कारोबार उसका जो टर्नओवर है वो मेरे ख्याल से मुश्किल से 40-50 रहता होगा। जब मैं जयपुर में आया था तो पूरे साल में मुश्किल से 7-8 कंप्यूटर बिकते थे उस जमाने में, 93-94 में, राइट। आजकल तो हर घंटे में 8-10 बिक जाते हैं। तो चीजों में फर्क है, क्योंकि चीजें कंपाउंडिंग हो चुकी हैं, रेफरेंसेस कंपाउंडिंग हो चुके हैं, रेपुटेशन कंपाउंडिंग हो चुकी है, किसको कहां से लेना है वो सारी चीजें, एस्टेब्लिशमेंट जब आप ये आगे बढ़ता तो सारी चीजें आसान होती चली जाती। 1996 में एक कंपनी थी कंप्यूटर की, पीसीएल नाम की, आपको रियल एग्जांपल बता रहा हूं मैं जो घटित हुआ है। उसने जो कंप्यूटर 40,000 रुपए का बाजार में आता था उसने विज्ञापन निकाला कि 16,000 रुपए का देंगे। बाजार में दो किस्म के लोग होते हैं, एक वो लोग होते हैं जो कंप्यूटर का शोरूम खोल के बैठे होते हैं, दुकान खोल के बैठे होते हैं बेचने के लिए, जैसे लोग मंडी में आलू बेचते हैं, टमाटर बेचते हैं, ये बेचते हैं, वो ये प्रोडक्ट बेचने वाला है। दूसरे लोग वो होते हैं जो बेचते भी है लेकिन लोगों का, जिनको तकलीफ है, जिनको चलाना नहीं आता, जिनका खराब हो जाता है, उसको रिपेयर मेंटेनेंस और उनको समाधान सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन वो भी देते हैं। तो इसमें दो कैटेगरी हुई, एक बेचने वाला और एक समाधान देने वाला। तो 95-96 के अंदर ये जो पीसीएल नाम की कंपनी थी इसने जो है विज्ञापन निकाला कि 16,000 में कंप्यूटर देंगे। अब बाकी देश में जितने भी एसएल भी था, विप्रो भी था, ये वो सारे सबके एकदम ताड़े लगे, मतलब ये हो क्या रहा है, राइट। तो उसने कोई गेम खेला और लोगों से 4,000 रुपए 5,000 रुपए लेके एडवांस बुकिंग कर डाली। तो अब जिन जिन के घरों में कंप्यूटर लेने की प्लानिंग नहीं भी थी उन लोगों ने भी बुकिंग करवा दी और लाखों कंप्यूटरों की उन्होंने ऑल इंडिया से बुकिंग कर ली कि भाई अब हमारे कंप्यूटर बुक हो गए, हम अब सप्लाई करेंगे। तो वो एक साल निकल गया, 1.5 साल निकल गया, किसी को 6 महीने बाद का टाइम, किसी को 1 साल बाद का टाइम, किसी को 2 साल बाद का टाइम, कोर्ट केस होने लगे, कचहरियां होने लगी, राइट। अब आदमी जिसने बुक करा दिया मेरा कंप्यूटर आएगा, वो तो कहीं और से खरीदेगा नहीं ना, तो दुनिया ने बुक करा दिया, तो बाकी कंपनियों के पास तो काम ही नहीं था। तो जो लोग छोटी मोटी दुकान वाले थे, बड़े बड़े जो बिजनेसमैन थे, उन्होंने तो 10 रास्ते और निकाल लिए,
लेकिन जो हमारे जैसे लोग थे, आपके जैसे जो लोग थे, जो अपनी दुकान खोल के बैठे थे, मेरा कंप्यूटर बिकेगा, उसका तो साल भर में एक भी नहीं बिका, तो बेचारा खर्चा कहां से निकालेगा, तेल कहां से निकालेगा, बिजली का बिल कहां से देगा। तो दनादन 90% लोगों के कारोबार कंप्यूटर बेचने वालों के बंद हो गए एक हरकत से। हालांकि जिसने ऑफर दिया था 1.5 साल बाद, वो भी मुकदमे शुकदमे लड़के था, कार के, वो भी बंद होगी, लोगों के पैसे भी डूब गए। लेकिन वहां पर बचा कौन? बचा वो जो अपनी स्किल बेस। 4-5 दिन पहले मैं मीटिंग कर रहा था, बिजनेस दो किस्म के हैं, एक पैसा लगा के बिजनेस, यानी कि ट्रेडिशनल बिजनेस, जिसमें आप 2%, 5%, 7% बचा लोगे, राइट, चाहे आपका डिपो हो गया, पीयूसी हो गया। दूसरा है आपकी स्किल बेस्ड बिजनेस, स्किल बेस्ड जहां पर आप अपने समाधान बेचते हो, राइट, जैसे नेटवर्क है ना, अगर कोई अपने नेटवर्क पे ध्यान दे रहा है तो वो स्किल बेस्ड बिजनेस कर रहा है, राइट, जहां पर आपका बिजनेस, आपका जो मार्जिन है, राइट, या आपका जो मान लो तीसरी जो चीज है नेटवर्क, जहां पर आप अपने भविष्य का निर्माण कर रहे हो, जहां पर आपका प्रॉफिट मार्जिन 1000% होता है, राइट। तो अब कौन सी कैटेगरी में है? तो हम पूरे जयपुर में मुश्किल से हम 2 या 3 लोग बच पाए थे जिन पे पिछले 30 साल में कोई असर नहीं हुआ। दुनिया को हमने कंप्यूटर की मंडी में बंद होते देखा और बर्बाद होते देखा, राइट, सिर्फ इसलिए उस काम को सीखते नहीं, और उनको लगता है सामान रख के बेचूंगा और दुनिया आ जाएगी। भैया आ जाएगी, कोई बात नहीं, सुबह शाम ऑनलाइन ऑफलाइन दुनिया भर की चीजें चलती हैं, और हमें आज तक इसलिए फर्क नहीं पड़ा क्योंकि हमने समाधान को बेचा है। इसलिए काम दिन बे दिन बढ़ी रहा है, दिन में किसका काम निपटाए किसका नहीं निपटाए, मतलब वो चूज करना पड़ता है, किसका ऑर्डर एक्सेप्ट करें किसका नहीं एक्सेप्ट करें, वो चूज करना पड़ता है, राइट। तो वो स्थिति थी आए, राइट, तो इसलिए आगे से आगे समय रहते क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या बदलाव आपको अपने बिजनेस में करने हैं, क्या क्या आपको लर्निंग में करने हैं, ये समय के साथ रेगुलर प्रोसेस है एक। इसको आपने एक लकीर फकीर कुछ सीख लिया और उसके ऊपर चलते रहे तो भाई साहब ये चीजें जो है ना बहुत ज्यादा दिन काम नहीं करती। और आरसे बिजनेस ज्वाइन क्यों किया था ये हमेशा ध्यान में रखना, आपने अपनी सिक्योरिटी के लिए किया था। जिस दिन दुनिया में कोई काम नहीं आएगा उस दिन आरसीएम काम आएगा। तो ये काम तभी आएगा जब नेटवर्क आप अपना बनाओगे, राइट। आपको लगता है कि मैं तो 1 महीने की 2 लाख की रिटेलिंग कर लूंगा तो ट्रेडिशनल बिजनेस हुआ ना। आरसीएम बिजनेस का अगर सामान आप 2 लाख रुपए महीने का बेच रहे हो बहुत अच्छी बात है, राइट, आप 50,000, 70,000, 1 लाख रुपए महीना कमा रहे हो बहुत अच्छी बात है, मैं इसको बुरी बात नहीं मानता। लेकिन अगर नेटवर्क से ध्यान हटा रहे हो ये बहुत बुरी बात है, यानी कि आप वापस ट्रेडिशनल में जा चुके हो, राइट। आरसीएम किया क्यों था? किया था आने वाले कल के लिए, तो आने वाले कल में जो काम आएगा वो आरसीएम का नेटवर्क काम आएगा, राइट। आपकी टीम के जो टेक्निकल अचीवर्स और रोल्टी अचीवर्स और ये जो नेटवर्क बनता हुआ जा रहा है काम ये आने वाला है, राइट। वर्तमान में पैसा कमाने के लिए आप रिटेलिंग करो, कंजम्पशन करो, होटलों में बेचो, कहीं पर भी बेचो, वो एक एडिशनल है, वो एक एड ऑन है, वो टॉपिंग्स है, लेकिन वो कंप्लीट नहीं है। तो ये चीज जो है मैं आपके साथ जो शेयर मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आने वाले जो खतरे को है उसको पहचाने का। मान लो अभी मार्च है, अब किसी ने अपनी टीम से अभी तक जो है पिछले 2 महीने में 3 महीने में 4 महीने में एक एक आदमी से बात की ही नहीं है, है ना, किस किस का क्या क्या टारगेट है, किस किस का नहीं है, कितने लोग इनएक्टिव है, उनकी लिस्ट उसके पास नहीं है, कौन कौन खरीदारी नहीं कर रहा, उनसे जो बातचीत नहीं है, अगर ये सारे कर्म अभी तक नहीं हुए और आपको लगता है कि मार्च में मैं पिन बदलूंगा तो भाई साहब खतरा सिर पे आ चुका है, थ्रेट इज ऑन टू द हेड, राइट, वो नहीं होगा, ठीक है ना। लेकिन जिसने पिछले 2-3 महीने में एक्सरसाइज की है, जो बोला था सितंबर में कि इस एक्सरसाइज को जारी रखना, राइट, तो जिसने एक्सरसाइज की है उसका बड़े आसानी से होगा, बड़े आसानी से मतलब खेलते खेलते होगा, उसके ऊपर कोई थ्रेट ही नहीं है, कोई खतरा ही नहीं है। तो बिल्कुल सिंपल सी इक्वेशन है, इसमें कोई वो ज्योतिष वोतिष जो है वो इन सब चीजों का जो है वो, तो इन सब थ्रेट्स का जो है वो एक ही समाधान है और वो है नेटवर्क। एक और नेटवर्क में एक और थ्रेट है, एक और क्या, कई सारी थ्रेट है, लेकिन एग्जांपल देता हूं, जो बीमारी ज्यादा फैली हुई है, लोगों को लगता है कि हाँ जी ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन करके लेग ए हो गया, लेग बी हो गया, कई बार लोग बोलते हैं मेरी एक लेग तो चल रही है दूसरी नहीं चल रही, राइट, या रोल्टी पे आ गया उसकी जो बड़ी लेग है 20 लाख की 50 लाख की 1 करोड़ की 5 करोड़ की 10 करोड़ की, छोटी लेग जो है उसकी जो है वो बी लेग जो है वो मान लो 1 15 की है 1 17 की है या 1.5 लाख की है। अब वो जो उसकी जो छोटी लेग है जिसको बी लेग बोलते हो आप, उस पे तो ध्यान देता है वो,
और अपनी ए लेग जो बड़े वाली उस पर ध्यान नहीं देता। इसका मतलब यह है कि यह आदमी भविष्य में थ्रेट को बुलावा दे रहा है, यानी कि खतरे को इनवाइट कर रहा है, ये खतरा उसके सिर पे मंडरा रहा है। 2 साल बाद आएगा कि 5 साल बाद आएगा कि 10 साल बाद आएगा, लेकिन आएगा जरूर। जो आदमी अपने नेटवर्क को, चाहे वो दान में मिल गया है या अपलाइन ने चला दिया है या कैसे भी मिल गया है, जो आदमी अपने दोनों ग्रुप को अपना नहीं मानेगा, सवेरे शाम खतरा सिर के ऊपर तलवार लटकेगी। इस कहानी को समझिए, बहुत ध्यान से समझिए, राइट? क्योंकि ऐसे हजारों एग्जाम्पल मैं देख चुका हूं, और मैं बहुत लोगों को बोलता हूं कि भाई जो ये कई लोग तो अपनी जो बड़ी लेग उसी को दुश्मन मानना शुरू कर देते हैं, इससे तो हमारा कोई लेना देना नहीं। ऐसा नहीं होता यार, ऐसा नहीं होता। जिस दिन अकल आएगी ना, उस दिन पढ़ के रोएगा, क्योंकि अकल आएगी जरूर, सवेरे नहीं तो शाम को, शाम को नहीं तो सवेरे, सवेरे नहीं तो शाम को, शाम को नहीं तो सवेरे, आएगी जरूर, राइट? जिस दिन अकल आएगी उस दिन बहुत रोएगा, राइट? और कई लोग तो जो है वो और बड़ा जुर्म कर देते हैं। जुर्म क्या करते हैं, तो उनको लगता है कि अच्छा बड़ी लेग में से कोई 2-4 आदमी नाराज इधर उधर, तो उसको उठा के जो अपनी छोटी लेग में जोड़ लेता है। मतलब ये वो खतरे के ऊपर डबल खतरा पैदा कर दिया, यानी कि उसने ऊपर से इतना गंदा काम कर लिया जिसकी कोई, मतलब जो नेटवर्क की भाषा में निहायत ही निर्लज्जता बोलूंगा मैं इसको, निर्लज्जता, निर्लज्जता की श्रेणी में आता। तो अब क्या होगा कि उसने जैसे ये कर्मकांड करता तो वो रेपुटेशन को खोता है, सबसे पहले उसका मान सम्मान और इज्जत गायब होता है ना जी। और अगर किसी जगह पे टीम के साथ जो है वो मतलब रेगुलर होम मीटिंग है, या जूम पे नहीं आ रहा है, या फिजिकल मान लो पिछले 2 साल नहीं थी, अभी थोड़ी थोड़ी जो होना शुरू हुई है, सरकारों ने जो वापस लिया है, और 2-4-6 महीने में जो वापस फ्लो में आ जाएगा जो भी आएगा, तो जो अपने स्टेशन पे जिसके भी जो है वो अच्छा अपना वंडरवर्ल्ड क्विक नहीं है, या वंडरवर्ल्ड नहीं है, या उसका लोग जूम पे नहीं आ रहे हैं, या फिजिकल मीटिंग में भी नहीं आ रहे हैं, या फिजिकल मीटिंग में तो आ रहे हैं लेकिन जूम पे एक भी आदमी की आदत नहीं है, तो भाई साहब ये भी बहुत बड़े खतरे को अपनी तरफ लगातार इन्वाइट किए हुए, इसका भुगतान तो करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। अकाउंट्स बुक में लिखा जा चुका है, ट्रायल बैलेंस और बैलेंस शीट जो है बनेगी ही बनेगी, नो वन कैन एस्केप, कोई बच नहीं सकता, ये होगा ही होगा। ये सारी चीजें मैं आपके साथ क्यों डिस्कस कर रहा हूं, मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूं, जब हमें मालूम है कि किस किस्म के खतरे हमारी तरफ चले आ रहे हैं, उनसे अगर आज उसका इलाज नहीं किया, राइट, और आज जो मौका हाथ में, मान लो 10 साल बाद समझ में आ गया कि यार काम ऐसे करना है, तो समझ में आ भी गया तो भाई साहब उस दिन तो फिर शरीर ही साथ नहीं देगा भागने दौड़ने के लिए, फिर क्या करेंगे? तजुर्बा क्या है? तजुर्बा यह है कि जिस दिन जो है अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी अपने व्यापार को संभाल लें और वो काम वो करें, और कभी भी कोई ऐसी चीज जो उनको समझ में नहीं आ रही, और तब जाके धीरू भाई अंबानी से पूछें कि पिताजी ऐसा ऐसा है, ये डील है, तो इसमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, ऐसा करना चाह रहे हैं, वो जो सलाह आती ना, तो अपलाइन का तो ये काम है भाई, क्योंकि उस टाइम उसका शरीर साथ नहीं दे रहा लेकिन दिमाग है, तो उस तजुर्बे को काम में ले सकते हैं। ऐसा नहीं होता कि जिंदगी भर जो अपलाइन के हाथ पैर काम में लेने, ऐसा नहीं होता कभी, ना घर में होता ना जिंदगी में होता, कभी भी नहीं होता ऐसा, राइट? हाथ पैर तो आदमी में, नेटवर्क में हर आदमी को अपने ही काम में लेने हैं। जो अपने हाथ पैरों को काम में लेगा, नेटवर्क उसका बिल्ड होता जाएगा, राइट? इसलिए बोला गया है कि इस बिजनेस के शुरुआत में जब तक आप रोल्टी टेक्निक का एमराल्ड नहीं बनते, हाथ पैर अपने काम में ले लीजिए, और सिस्टम में, जाने सिस्टम इन द सेंस, चाहे वो अप्लायंस है, एक्टिव इफेक्टिव ग्रोइंग अप्लायंस है, एक्टिव अप्लायंस है, या वो सिस्टम में जो लिखा हुआ है ब्रेन, वो ब्रेन है वहां, उसको काम में ले लो, वो गाइडेंस काम में ले लो, और उसके हिसाब से अपने हाथ पैर काम में ले लो। अब जो आदमी इस बिजनेस में आने के बाद हाथ पैर तो अप्लायन के काम में लेना चाह रहा है और दिमाग खुद का, तो मुसीबत इन्वाइट कर ली, खतरा तलवार उसके सिर पे मंडरा रही है, नहीं चलेगा, राइट? और इस प्रोसेस में वो 2-4-5 साल बर्बाद करेगा, बिल्कुल करेगा, गारंटेड करेगा,
और तब तक या तो थक जाएगा, लेकिन अगर कंसेप्ट क्लियर है तो सुधर के ठीक रास्ते पे आ जाएगा, और अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है कि आरसीएम क्यों कर रहा हूं तो थक के बाहर चला जाएगा। लेकिन उसको यह समझ में नहीं आएगा कि तू अपना दिमाग 24 घंटे लगाया जा रहा है, लगाया जा रहा है, लगाया जा रहा है, लगाया जा रहा है। अभी दिमाग मत लगा, अभी हाथ पैर लगा, राइट, और कॉपी सिस्टम को कर ले। इसी टॉपिक को थोड़ा सा और क्लियर करने के लिए, एलिमिनेट द थ्रेट बिफोर इट एलिमिनेट्स यू। मैंने आपके साथ कुछ साइंटिस्टों की बात की, अब चलिए देखते हैं एक बार जो थ्रेट्स है रियल लाइफ में, जो असली थ्रेट आएंगी वो आएंगी ओल्ड एज में, जब बुढ़ापा सामने आएगा, जब शरीर साथ नहीं देगा, राइट। सो हेल्थ का हमारे पास समाधान, वो क्या नाम है, सबसे बड़ा जो चैलेंज आएगा, जो थ्रेट आएगी। तो आज से अगर खान पान पे ध्यान नहीं दिया, राइट, या बाजारू जो चीजें हैं उनसे नहीं बचे, है ना, बाजारू चीजें से बचने का सिंपल सा उपाय है यार, आरसीएम बिजनेस के प्रोडक्ट काम में ले लो, वेलनेस काम में ले लो, गामा ओरिजिनल काम में ले लो, न्यूट्रीचार्ज काम में ले लो, है ना, या उल्टा पुल्टा जिन लोगों को मांस वास खाने का शौक है तो उसकी जगह पे गुड ओट काम में ले लो, तो दुनिया भर की बीमारियों से बचा जा सकता है। और जो शरीर की हालत मान लो 65 में होने वाली है उसको आप 85 पे पास ऑन कर सकते हो, यानी कि 10-5 साल की जो उम्र भी एक्स्ट्रा मिल सकती है। तो ये थ्रेट है, उसके साथ में समाधान है। अब कौन समाधान को पकड़ रहा है और कौन उसको इग्नोर कर रहा है, अबे होने दे कुछ नहीं होने, अबे होने दे कुछ नहीं होने, अबे होने दे कुछ नहीं होने, तो जब होगा तब कोई रास्ता नहीं होगा, तब तो वो धूमकेतु आके टकराएगा ही टकराएगा, इसके अलावा कोई रास्ता होगा नहीं, राइट। फल फ्रूट और हमारे पास क्या है, अगर हम इस बिजनेस के अंदर आरसीएम बिजनेस हम क्यों कर रहे हैं, जो भी आप आरसीएम में आने से पहले काम करते हैं, राइट, उससे अच्छे दिन आने वाले नहीं है, क्योंकि वो पैसा हाथों हाथ खत्म हो जाएगा। जो पैसा बचेगा और उसको निवेश करोगे वो है पैसिव इनकम, यानी कि बुढ़ापे में अगर कोई चीज काम आने वाली है या जिसको आप हम इस दुनिया से जाने के बाद भी अपने परिवार के लिए छोड़ के जा सकते हैं, उसका नाम है पैसिव इनकम। और पैसिव इनकम हम लोगों के पास दूसरा कोई, मतलब मंगल ग्रह पे जाया हो, चांद पे जाया हो, दुनिया के किसी भी कोने में जा लो, हमारे पास जितने भी हम लोग यहां पर बैठे हुए हैं, नेटवर्क बनाने के अलावा दूसरा कोई समाधान है नहीं। जब है नहीं तो उस काम को अगर पैसिव इनकम जिंदगी में चाहिए, यानी कि काम अगर कभी जिंदगी में ना कर पाए या काम करने के लायक ना रहे तो भी मेरे पास जिंदा रहने के लिए, परिवार को पालने के लिए, क्योंकि मैं अपने परिवार का मुखिया हूं, मैं अपने परिवार का चौधरी हूं, वो जिम्मेदारी मेरी बनती है। तो भाई साहब जिम्मेदारी है तो पत्नी की जिम्मेदारी है, लोगों को खाना, घर में जितने भी बच्चे हैं, परिवार है, उसको खाना बनाने की उसकी जिम्मेदारी है, उसकी रसोई में सामान होगा तो खाना बनाने दे देगी, राइट, नहीं तो क्या उसको बोलेंगे जाके तू कमा के ला, वो तो तूने जिम्मेदारी ली है भाई, फेरों के वक्त जब शादी की थी ये जिम्मेदारी तो तूने ली थी, राइट। तो पैसिव इनकम चाहिए, तो नेटवर्क ही एक समाधान है, इसके अलावा दूसरा कोई समाधान है नहीं। बुढ़ापे में एक और दिक्कत आती जो हमारे सामने आने वाली है, बहुत लोग आपको बड़े शहरों में से मिल जाएंगे जो मतलब पूरा दिन अकेले बैठे रहते हैं, उनके आसपास कोई नहीं होता, ना कोई दोस्त, ना कोई संबंधी, ना कोई, और वो अकेला जो आदमी रहता है ना, तो भाई साहब उम्र 10 साल कम वैसे ही बैठ, वो जब नेटवर्क का निर्माण कर लोगे तो उस थ्रेट से भी एडवांस में बचा जा सकता है, क्योंकि जब आप आरसीएम बिजनेस में होंगे तो दुनिया भर के दोस्त आपको बातचीत करने के लिए, मिलने जुलने के लिए आजू बाजू होंगे, राइट, तब तक आपका फ्रेंड सर्कल पूरे देश में होगा, तो बुढ़ापे में आने वाली उस खतरे से भी निपटने में आपको आरसीएम मदद करेगा। बैकअप आपका है, मैं आपको बता चुका हूं, जो आपकी पैसिव इनकम है उसको आप लगातार जो है बचा के उसको निवेश करेंगे तो 20-21 साल बाद आपके पास इतना पैसा जनरेट होना स्टार्ट हो जाता है, आपका पोर्टफोलियो इतना बड़ा हो जाता है, जो आपका मान लो मेरे कंप्यूटर वाली इनकम है या मेरे जो आरसीएम वाली इनकम है, इससे कहीं ज्यादा बड़ी, कई गुना बड़ी आज की तारीख में मेरी पैसिव इनकम है, जो मेरा बैकअप है, जो मेरी स्टेप नहीं है, इस बात को समझिए। तो 20 साल पहले, 22 साल पहले मुझे बिल्कुल क्लियर था कि मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं क्या नेटवर्क बनाने जा रहा हूं, ये मेरे किस काम आने वाला है, कौन से प्रोसेस पे मैं चलने वाला हूं और किस टाइम क्या क्या तरीका लगाने वाला हूं, ये मतलब रोड में बिल्कुल क्लियर है, राइट, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो कोई माइक का लाल कोई नेगेटिव कर ही नहीं सकता, किसी चीज का कोई प्रभाव जो है वो पड़ता नहीं, कौन करता कौन नहीं करता, अपना सिंपल सा प्रिंसिपल है, जो आदमी काम करना चाह रहा है, जिसका मूड अच्छा है उसके साथ काम कर लो भाई, नमस्ते, बिल्कुल सिंपल है, राइट, क्योंकि नॉलेज और जानकारी तो सबके पास है ही ना,
और बार बार बता के काउंसलिंग कर करके भी किसी को बता रहे और फिर भी नहीं मान रहा, कोई बात नहीं, कोई काला पीला ग्रह होगा, कोई शनिवनी चढ़ा हुआ होगा, दो साल बाद, छह महीने बाद जब थ्रेट सामने आ जाएगी तब अपने आप आ जाएगा भाई, इससे ज्यादा तो हमारे हाथ में तो कुछ है नहीं, जो हमारे हाथ में है राइट वो कर रहे हैं। सिक्योरिटी फॉर फैमिली, परिवार के लिए सुरक्षा चाहिए, तो उसका भी जो है पूरा इंतजाम जो है वो इसी नेटवर्क के अंदर है राइट। सो जो भी हमारी थ्रेट्स हैं, इस बिजनेस को बिल्ड कीजिए राइट, एसेस कीजिए, इसको बनाइए, उसके ऊपर एक्शन लीजिए, उसका अकाउंटिंग रखिए। अकाउंटिंग का मतलब है बिजनेस मींस प्रॉफिट इन बैलेंस शीट राइट, वो होना चाहिए। स्टार्टिंग में कई लोग जो है वो थोड़ा सा इस मामले में चूक कर जाते हैं, उनको पता नहीं होता कि अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग बैलेंस शीट क्या है राइट। और उसको एक्सीलेटर पे पैर रखिए और उसको दबाइए, और धीरे धीरे क्या होगा, अब जिस तरीके से हम जिस माहौल में पले हैं, तो हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, मान लीजिए मेरे ऊपर अगर हमारे घर में सब लोग नौकरी पेशा वाले हैं, तो इसका प्रभाव मेरे ऊपर पड़ेगा और मैं जिंदगी में कभी बिजनेस की नहीं सोचूंगा राइट। अब बिजनेस का मतलब ये नहीं है कि किराने की दुकान खोल के बैठा है, बिजनेस का मतलब ये जहां पर आप 10-20-50 लोगों को रोजगार देते हो, है ना, उसको बिजनेस जो है वो, तो बगैर मतलब एक तो हम रिस्क लेके लोगों का पैसा लगा के बिजनेस को जो है वो रन करते हैं, दूसरा ये है कि बगैर किसी से उधार लिए, बगैर कोई पैसा लिए, बगैर किसी से लिए और बगैर खुद लगाए आप जो है वो उस बिजनेस को बिल्ड करते हैं, और धीरे धीरे ये चीज ब्लड में जाती है परिवार के। तो डीएनए को चेंज करने के लिए, यानी कि मेरी आदतों को चेंज करने के लिए भाई साहब 10-20-30 साल चाहिए, ये एक दिन में डीएनए नहीं बदलता राइट। और जब जो आदत मेरी पड़ी हुई है वो आदत मेरे को देख देख के औलाद की जिस दिन पड़ जाएगी ना, तो भाई साहब मरण हो जाएगा। इसलिए 10-20 साल जब हम इस काम को करते हैं, तो धीरे धीरे क्या टाइम मैनेजमेंट है, क्या मनी मैनेजमेंट है, इन सब चीजों को हमारी औलाद सीख लेती है, तो अगली पीढ़ी का डीएनए बिजनेसमैन में कन्वर्ट हो जाता है। ये डीएनए ऐसे कन्वर्ट होता है, एक दिन में कन्वर्ट नहीं होता। धीरू भाई का डीएनए कन्वर्ट होने में 40 साल लगे, 50 साल लगे, क्योंकि उसके खानदान में पहले किसी ने बिजनेस तो किया नहीं था ना राइट। लेकिन उसका डीएनए चला बदला, तो भाई साहब मुकेश अंबानी का पूरा डीएनए ही बदल गया ना, और मुकेश अंबानी की जो आने वाली पीढ़ियां, अब तो तीसरी पीढ़ी ने टेक ओवर कर लिया, वो सारे डायरेक्टर वायरेक्टर बनने लगे रिलायंस ग्रुप में राइट। इसी तरीके से चाहे टाटा हो, चाहे बिरला हो, चाहे कोई भी हो राइट, सारी चीजें इसी हिसाब से। तो अब लोगों को पता नहीं होता थ्रेट है। अब कई लोगों का भाई जो अब चलते चलते एक और बात मेरे को याद आई, एक आदमी उसने शादी की, थोड़े दिन बाद उसको कोई लड़की अच्छी लगी, उसको छोड़ गया, दूसरी के साथ भाग गया ठीक है। थोड़े दिन बाद जो अब जिसका कर्म है उसको फिर रिपीट करेगा, फिर थोड़े दिन बाद वो तीसरी के साथ भाग गया राइट। दूसरे वाली को ये मालूम होना चाहिए कि पहले वाली को छोड़ के भागा है तो ये तेरे को भी छोड़ के भागेगा, ये दूसरे वाली को समझ आना चाहिए, लेकिन नहीं समझ आता राइट। तीसरे वाली को समझ आना चाहिए कि भैया तू पहले दोनों को छोड़ के भागा है राइट, तो तेरे को भी छोड़ के भागेगा राइट। अब इसको आदमी को खुद ये समझ आना चाहिए कि तीनों में से तेरा तेरी औलाद क्या करेगी, रे बीबिया क्या करेंगी, तो सुबह शाम तेरा जो है वो थ्रेट तेरे ऊपर मुसीबत क्या आने वाली है, तो भाई साहब ये चक्कर है, तो कौन से अंदर मतलब राजस्थान में और गुजरात में मैंने ऐसे बहुत लोगों को देखा है जो KYC करवाते हैं, तो उन्होंने जिंदगी में कभी ये तो सोचा नहीं ना 20 साल पहले 30 साल पहले कि जिंदगी में कभी KYC भी करानी पड़ेगी। और KYC का मतलब है आपके पैन कार्ड, आपका राशन कार्ड, आपका आधार कार्ड, आपका ये जो डॉक्यूमेंट है उनमें तेरा नाम, तेरे बाप का नाम एक ही चाहिए, तेरा नाम, तेरे बाप का नाम, तेरी डेट ऑफ बर्थ एक ही चाहिए राइट। ये तो उन्होंने किसी ने सीखा नहीं ना, उसका नतीजा क्या भुगतना पड़ रहा है, मतलब इतने केस मिलते हैं जिसको देखे हर तीसरे आदमी का क्या मिलता है, 2-3 कागजों में बाप का नाम अलग मिलता है, पहले तो खुद का ही नाम अलग मिलता है राइट। एक में मान लो जैसे सागर भाई के भी 3-4 नाम है ना, एक में प्रेमनाथ, एक में सागर भाई, एक में ये गांव का नाम अलग, शहर का नाम अलग, डॉक्यूमेंट का नाम अलग, वो सारा इतना झमेला है जिंदगी में राइट। फिर कई लोगों के बाप के नाम ही 3 मिलते हैं, फिर कई लोगों का इसमें ये बीबी का नाम, ये इसमें बीबी का नाम, ये मतलब सारा जिंदगी में मतलब कहां जाएगा वो, तो थ्रेट तो अपने आप ही बुला लेते हैं लोग बाग राइट, मतलब मुसीबत तो अपने आप ही बुला लेते, इसलिए समय रहते कम से कम डॉक्यूमेंट को तो ठीक कर ले ताकि आने वाली मुसीबतों से बचा जा सके। अब सबसे बड़ा लफड़ा कब होगा, जब उन बच्चों को एक प्रूव करना पड़ेगा कि ये मेरा बाप है, वो डॉक्यूमेंट भी अगर बाय चांस बाप ने कुछ निर्माण कर भी लिया तो प्रूव क्या करेगा वो, भाई तेरे बाप का तो नाम ये इस कागज में तो तेरा वो बाप था ही नहीं
तो कहां कहां पर जाके चीजें जो आदमी अपना टाइम बर्बाद कहां पर करता है, तो लोगों को इतनी समझ नहीं होती भाई, राइट। तो ये इन चीजों को, इसलिए आजकल तो मैं बहुत सारी जो लड़कियां हैं मैं उनको भी बोलता हूं, शादी से पहले जो भी तेरा नाम था, शादी के बाद तेरे को डॉक्यूमेंट चेंज कराने की जरूरत नहीं है, नॉट एट ऑल। क्योंकि उस डॉक्यूमेंट चेंज कराने में, केवाईसी के सिस्टम में तेरे को कितनी चीजें बदलनी पड़ेंगी और फिर नए सिरे से तेरे को अपनी पहचान बनानी पड़ेगी। तो इसलिए आजकल आप देखोगे शादी के बाद जो लड़कियां हैं वो अपना वही सरनेम, वही डॉक्यूमेंट, वही अपना बैंक अकाउंट, वही सब कुछ, क्योंकि बोलने में जो है वो, मान लो किसी लड़की की शादी हुई तो उसने जो है, मान लो कदम सिंह राठी है और मेरी वाइफ का जो है वो गोत्र है वो हुड्डा है, किरण हुड्डा, तो बेशक अपने साथ राठी लगा ले, लेकिन मैं कहा अपने डॉक्यूमेंटेशन यूं का रखिए, फालतू पछड़े मत पाल, जो है लेट इट बी एज इट इज, ठीक है ना। तो टाइम पे अगर प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं होगा तो वो भी आदमी बोलेगा, फिर क्या बोलेगा, कंपनी जो है वो केवाईसी तो करती नहीं है, 10 बार बोल दिया। अरे भाई कंपनी का ऐसी केवाईसी करेगी, तू अपनी केवाईसी कर ले यार, है ना, तेरे बाप वाप तेरा नाम जो है कम से कम पता तो हो, गांव में उसके नाम की चिट्ठी चले जाए ना तो लोगों को पता नहीं इस गांव में ये आदमी भी रहता है, क्योंकि गांव का नाम कुछ और है, शहर का नाम कुछ और है, स्कूल का नाम कुछ और है, किसी को पता ही नहीं नाम क्या है, राइट। सो ये रियल लाइफ की, तो 20 साल जब हम इस बिजनेस में रहेंगे तो धीरे धीरे, इसलिए मैंने बोला कि डीएनए, जन्म कुंडली बदलने में समय लगता है, जो आदतें पड़ी हुई उसको समय लगता है। कुछ लोगों का काम ही है दूसरे के टाम में घोचे डालना, और कुछ काम नहीं है तो घोचा ही डाल लो, राइट। तो ये घोचेबाज जो है ना, तीन घोचेबाज अपने लिए खतरे मोल लेते रहते हैं और ऐसी चीजें बार बार उनकी जिंदगी में होती रहती है, और बोलते हैं भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों करता है, तो दूसरों की जिंदगी में घोचे करेगा तो तेरे साथ ऐसा ही होगा भाई, राइट। तो और थ्रेट आरसीम बिजनेस में क्या है, मैं 100 लोग हो जाएंगे तब मीटिंग कराऊंगा। अरे भाई तेरे 20 लोग हैं तभी से सिस्टम में अडोप्ट कर ले तो वो 1000 हो जाएंगे, 100 लोग होंगे और तब तू जो है वो किसी अपलायन को बुलाएगा मीटिंग करने तो वो 100 जिंदगी में होंगे नहीं और तेरा बिजनेस कभी बिल्ड होगा। तो सवाल को जिंदगी से काट दे, पहले 2 या 3 4 साल एक ही लेग चलाऊंगा। अरे भाई दोनों लेग चला ले, राइट। एक ही लेग चलाएगा तो इनकम आएगी नहीं, राइट। अब लोगों को भी बोलेगा, और जिसकी 2-3 साल इनकम नहीं आएगी तो वो क्या रहेगा, क्या उसमें बिजनेस में रहेगा क्या, राइट। अपलाइन और डाउनलाइन दोनों एक्टिव है लेकिन दोनों का तालमेल नहीं है, इसका भी ये भी थ्रेट है, राइट। क्योंकि अगर ये डुप्लीकेट होगी तो कई जगह पे तालमेल में गड़बड़ाएगी। कम से कम पैसे में पीयूसी खुलवा दो, बस चालू करा दो, घर में दे दो। अरे भाई जब तेरे पास सामान ही नहीं होगा तो कौन तो आके देखेगा। लोगों को बोलोगे आरसी में 500 सामान है, 50,000 के पीयूसी है, वहां पे 4 तेल के पीपे डले हैं, तो बिजनेस बोला कुछ और है और सामने दिख कुछ और रहा है, तो थ्रेट तो अपने आप ही बुला ली। अरे बोला तो कुछ और था और ये है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, अरे बेफालतू का, तो मुसीबत खुद ही बुलाई ना, किसी ने बोला थोड़ी है, राइट। तो आदमी अपने कर्मों से ही, अपने वचनों से ही, अपनी बातचीत से ही 100% ज्वाइन कर लिया और 100% प्रोडक्ट को काम में नहीं ले रहा, राइट, नहीं ले रहा तो थ्रेट क्या है, लोग उसको झूठा अपने आप साबित कर देते हैं कि खुद तो प्रोडक्ट काम में ले नहीं रहा, राइट। और जब ब्रांड ही झूठा बन गया तो थ्रेट अपने आप आ गई, बिजनेस बिल्ड होगा ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं होगा, पॉसिबल ही नहीं है, राइट। रेगुलर क्रिएटिव नहीं होना, अब रेगुलर क्रिएटिव यानी कि चीजों को, प्लान को समय और स्थिति शहर के हिसाब से, सामने कौन बैठे हैं, 70 साल के लोग बैठे हैं या 20 साल के बच्चे बैठे हैं, किस तरीके से आपको अपनी बातचीत को रखना है, है ना, इस मामले में थोड़ा सा क्रिएटिव होना रेगुलर जरूरी है, राइट। अपना प्लान दिखाना जो शुरू नहीं करेगा, चाहे जूम मीटिंग हो चाहे फिजिकल मीटिंग हो, रिकॉर्डिंग भरोसा, वो क्या बोलते हैं, जो कॉन्फिडेंस है, राइट, कि अपने आप में आत्मनिर्भर होना और प्लान, राइट। हर आदमी चाहता है मेरी औलाद आत्मनिर्भर हो, तो भाई साहब आरसी में भी आपको आत्मनिर्भर, राइट, जिस शहर में जाओ अपना बिजनेस शुरू कर दो अगर आत्मनिर्भर हो तो, राइट, किसी की मदद की जरूरत ही नहीं है। टीम में नेगेटिव बातचीत करना है, कंपनी प्लान के बारे में नेगेटिव प्रचार करना, इसका मतलब यह है कि अपने लिए उसने वो आसमान से एस्ट्रोनॉट बुला ली कि आ मेरे को मार, राइट, बोलो बुलाया जा रहा है कि आ जाओ मेरे को मारो, और फिर बोलेगा बिजनेस नहीं बढ़ रहा। तो भाई साहब नेगेटिव बात करना बड़ा आसान है, उस नेगेटिव को पॉजिटिव करने में, ये बात करने में तो 1 सेकंड लगता है, उसको वापस पॉजिटिव करने में कई साल लगते हैं, कई साल की मेहनत लगती है। इसलिए बोला गया है जिंदगी में जब भी कुछ परेशानी है नेगेटिविटी, तो अप्लाइंग एक्टिव इफेक्टिव ग्रोइंग अप्लाइंग के साथ बात करनी है। टीम में अगर कुछ देना है तो अमृत देना है, जहर नहीं बांटना। पैसे के लेन देन में जिन लोगों की गड़बड़ रहेगी, उधार उधार के खाते रहेंगे, जिंदगी में एक मेरे रूल को ध्यान रख लेना। मेरा रूल क्या,
जब भी जिंदगी में उधार दोगे अपना पैसा भी खोओगे और अपने दोस्त को भी खोओगे, दोनों चीजें जाएंगी, ध्यान रखना, चाहे आरसी बिजनेस हो चाहे आपकी पर्सनल लाइफ। और बहुत बड़े दानी हो और पैसा देने का इतना ही ज्यादा शौक है तो जिसको उधार दो या जिसको भी पैसा दो, उधार नहीं होना चाहिए कि ले भाई मेरे पास ये पैसे हैं, ये मैं तेरी मदद कर सकता था और ये मेरी तरफ से तू डोनेशन समझ ले, ये दान ले ले, ताकि आपके दिमाग में कभी ये ना रहे कि मेरे को वापस भी लेना है। अगर किसी को देने का शौक है तो इस एंगल से दो, तो आदमी भी बना रहेगा, मदद भी हो जाएगी और जो है वो है ना। अब कोई बोलता जी मेरे को लाख रुपए चाहिए, मैं कहा भाई साहब अभी तो है नहीं, ये मेरी तरफ से ये 10,000 रुपए हैं और मेरी तरफ से ये आपके लिए मदद है, मेरे को नहीं चाहिए वापस, आप रखो इसको, राइट। आपकी जिंदगी में 2-4-5 दोस्त हो तो ले लो, राइट। तो जिंदगी में इस किस्म का काम कितनी बार कर लेगा, एक बार कर लेगा, दो बार कर लेगा, उसको मुला देगा नहीं देगा, डोनेशन देगा, कितनी बार दान ले लेगा एक आदमी, राइट। तो ये चीजें जो है वो कम से कम दोस्ती को तो बचाओ या रिश्ते को तो बचाओ। जीजे साड़े में लड़ाई है, बाप बेटे में लड़ाई है, किसकी लड़ाई, लड़ाई तो यही है, राइट। कोई भी मैटर है तो लोगों को मेल ही करना नहीं आता, जैसे केवाईसी में नाम अलग अलग है तो इसी तरीके से मेल में भी, अभी मेल मेरा पीयूसी का नंबर नहीं आया है ना, पीयूसी नंबर ये लिखा और मेल कर दिया, अगले दिन फिर नया मेल बना दिया, अगले दिन फिर मेल लाया नया बना दिया, वहां टिकट जनरेट होता है, उनको पता ही नहीं कि तो क्या तो ये मेल है, क्या करना है और क्या नहीं करना है। लोग सालों साल जो है वो फोन पे ही अपना टाइम बर्बाद करते रहते हैं, क्या बता दिया कंपनी को, बता दिया कंपनी को, अरे भाई मेल है ना तेरे पास, जब तक वो काम नहीं होता उसी मेल को रिपीट कर करके, कितने हजारों बार मैं कितने लोगों को ये चीज सिखा चुका हूं कि आप उसमें सीसी में एड्रेस लिखो, राइट। एक मेल आईडी, दो मेल आईडी, तीन मेल आईडी, दोबारा करना है तो 10 दिन बाद जो मेल आपने भेजी है उसी को रिप्लाई ऑल करके रिमाइंडर करो, रिमाइंडर 1, रिमाइंडर 2, रिमाइंडर 4 में काम हो गया, वो सब्जेक्ट खत्म, वो काम खत्म, और ये आपके पास जिंदगी भर रिकॉर्ड भी बना रहेगा, उसमें जो अटैचमेंट है, जो डॉक्यूमेंट है, वो भी आपकी मेल में बोलेंगे, कभी भी एक सेकंड में वापस उसको रिकॉल किया जा सकता है।